चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। लास्ट वीडियो में हमने बताया था टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, मतलब अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें एक था पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, मतलब अंशतः कर मुक्त भत्ते। मतलब ये ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिसमें कुछ पर टैक्स लगता है, कुछ पर नहीं लगता। जिसमें पहला है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मकान किराया भत्ता। इसको बोलेंगे मकान किराया भत्ता। देखिए हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को ये अलाउंसेस तब देता है या इसलिए देता है कि उसका जो कर्मचारी है वो किराए के मकान में रहता है, तो जो रेंट पे करता है उस पेमेंट के लिए ये एचआरए उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एन अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ए में ही दिया गया है। तो हाउस रेंट अलाउंसेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है किराए के मकान में रहने के लिए, कि ताकि वो जो किराया पेमेंट कर रहा है उससे कुछ रिइंबर्समेंट उसका हो जाए। तो इसमें कुछ टैक्सेबल होता है और कुछ एग्जम्प्टेड होता है। एचआरए को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें है एम्प्लॉई हु इज रेसिडिंग इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस वेयर ही डजंट पे एनी रेंट एंटायर एचआरए इन टैक्सेबल। मतलब कहने का यह है कि जो एम्प्लॉय अगर खुद अपने मकान में रहता है तो जितना एचआरए मिलता है वो पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए लेता है, एचआरए लेने के बाद एम्प्लॉय जो है वो अपने ही मकान में रहता है तो अपने आप को रेंट तो पेमेंट करेगा नहीं, तो वहां पे जितना एचआरए मिलता है मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा है कि एम्प्लॉई जो है अपने ही मकान में रहता है तो आप वहां पे कंपोटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सा उसको फुली टैक्सेबल मान के आप सैलरी में ऐड कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जब किराए के मकान में एम्प्लॉई रहता है तब क्या होता है, उसका कंपोटेशन हम करते हैं। कंपोटेशन का क्या प्रोसेस होता है ये देखते हैं हम। देखिए कंपोटेशन ऑफ एचआरए, पहला पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मतलब एम्प्लॉय जिस मकान में रहेगा उसका जितना किराया चुकाएगा वो ले लेंगे एक साल का माइनस 10% सैलरी के। सैलरी का मतलब जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 10%। दूसरा पॉइंट है एक्चुअल एचआरए रिसीव, एचआरए का मतलब यहां पे हाउस रेंट अलाउंस है, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जितना मकान किराया भत्ता मिल रहा है वो ले लेंगे। तीसरा पॉइंट है 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो 40% या 50% का मतलब क्या है, 50% जो होगा ये मेट्रो सिटी में होगा, मेट्रोपोलियन सिटी जो होता है मुंबई चेन्नई दिल्ली कोलकाता, यहां चार महानगरों को माना गया है, वहां पे अगर एम्प्लॉय रहता है तो वहां पे 50% हम लेंगे सैलरी का। अगर मेट्रो सिटी के अलावा कहीं रहता है अदर सिटी में तो वहां पे हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों में जो कम होता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड तो नहीं कहेंगे, वो एग्जम्प्ट होता है। मतलब ये कि ये तीनों पॉइंट का कंपटीशन हम करेंगे, जो इन तीनों में कम होगा वो होगा एग्जम्प्ट, मतलब उस पर टैक्स हमको नहीं देना होगा। तो टैक्सेबल क्या होता है, देखिए जो टैक्सेबल एचआरए होता है वो जितना एचआरए रिसीव हो रहा है, एचआरए रिसीव माइनस जो एग्जम्प्ट है उसको हम घटा देंगे, एग्जम्प्ट जो हम तीनों में से जो कम आया है उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो टैक्सेबल एचआरए होगा उसको हम सैलरी में ऐड करेंगे। अब यहां पे देखिए सैलरी का 10% या सैलरी का 40 से 50%, मतलब सैलरी में लेंगे क्या क्या चीज, हम सैलरी में तो बहुत सारी चीजें ऐड की जाती हैं, तो सैलरी में हम लेंगे क्या देखते हैं। सैलरी में सबसे पहले लेंगे मूल वेतन, मतलब बेसिक सैलरी, प्लस डीएनएस पे, डीएनएस पे मतलब महंगाई वेतन अगर दिया है तो वो ले लेंगे, अगर डीएनएस अलाउंस दिया है तो वहां पे देखेंगे वो सेवा शर्तों के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि डीएनएस अलाउंस का वो पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब कि
जब कर्मचारी रिटायर्ड होने वाला होता है तो उसके लिए जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं उसमें वो इंक्लूडेड होता है। प्रोविडेंट फंड वगैरह में अगर डीएनएस अलाउंस का कोई पार्ट इंक्लूड है तो उसको हम अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सेवा शर्तों के अंतर्गत मान सकते हैं। तो डीएनएस पे अगर दिया जाएगा तो आप ऐसे ही ले लेंगे, डीएनएस अलाउंस देगा तब उसमें देखेंगे लिखा रहेगा ब्रैकेट में अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सेवा शर्तों के अंतर्गत। और कमीशन ऑन सेल फिक्स परसेंटेज, मतलब सेल पे फिक्स परसेंटेज या कमीशन जो होगा उसको हम लेंगे। मतलब ये तीन चीजों को ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसका 10% और 40% फाइंड करेंगे। ये था एचआरए का कंपटीशन। अगर क्वेश्चन में एचआरए दिया गया है, एम्प्लॉय अगर किराए के मकान में रह रहा है तो प्रोसेस ये होता है, अगर नहीं रह रहा है तो जितना एचआरए मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एचआरए से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।